फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन या बुक रिव्यू आ प्रेमचंद जी निर्मल पुस्तक बुक रिव्यू आ हिंदी सो आई होप निष्टपुर इष्टा प्लस लाइक शेयर ए चल सब्सक्राइब तोट आ बेल कूड़ी क्लिक या वीडियोस नोटिफिकेशन लिखी सो लेट्स गो टू द वीडियो। नमस्ते, मेरे नाम हया। आज मैं हिंदी साहित्य के प्रमुख और लोकप्रिय कहानीकर, उपन्यासकर और विचारक श्री मुंशी प्रेमचंद जी की एक छोटी सी उपन्यास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस उपन्यास का नाम निर्मला है। ये किताब 1927 में प्रकाशित हुए थे। निर्मला एक 15 साल की लड़की है, जहाँ उसके माँ बाप उसके शादी के लिए दहेज नहीं दे पाते हैं और उसके शादी एक 40 साल के इंसान से करवाता है जिनका नाम है तोताराम। तोताराम को पहले से ही 3 बेटे थे और उसका बड़े बेटे का नाम मनसाराम थे। मनसाराम भी 15 साल की ही थी। ये सब जानने के बाद भी मजबूरी में निर्मला की शादी तोताराम से हो गया। लेकिन शादी के बाद निर्मला तोताराम को पूरे दिल से अपनाया, उसका परिवार को अपना परिवार माना, उसके बच्चों को एक माँ जैसा प्यार दिया। ऐसा अपने एक परिवार के बीच घनिष्ठता बढ़ाने के चक्कर के बीच निर्मला के पति तोताराम को ऐसा एक शक हो जाता है कि निर्मला और उसके बड़े बेटे के बीच शायद कुछ है, और इसी शक की वजह से वो अपने बड़े बेटे मनसाराम को हॉस्टल भेज देता है। यही से उस परिवार में झगड़े और प्रश्न शुरू होता है। मनसाराम ये सोचता था कि उसके पिता उसके और उसके माँ के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकता है, और यही बात निर्मला के मन में भी आती थी। धीरे धीरे परिवार में झगड़े और प्रश्न बढ़ते ही गए और एक एक करके सब लोग निर्मला से दूर चली गई। ये एक मार्मिक कथा है, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मुझे यह समझ आया कि किसी को गलत समझना कितना आसान होते है। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे हम किसी को भी गलत समझ लेता है। ये किताब प्रकाशित हुए 90 साल से भी ज्यादा साल हो गए, लेकिन अभी भी लोग एक दूसरे को गलत समझ लेता है और खुद ही अपना परिवार तोड़ देता है। ये किताब में एक औरत की तकलीफ और उनके यातनाओं के बारे में भी बताती है। ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें प्यार है, ईर्ष्या है, इकलानी है, दोस्ती है, सब है। मुझे लगता है आप लोगों को ये किताब एक बार पढ़नी चाहिए और इसका जो संदेश है उसको समझना चाहिए। धन्यवाद।